हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और इसका जो एक स्टेटमेंट या फिर जो एक मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंचुअल मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए परपेंचुअल सेकंड मशीन काइंड की मशीन जो होती है, दो स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में। एक होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है और दूसरा होता है क्लाउसियस स्टेटमेंट। तो पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद में क्लाउसियस को समझेंगे। तो देखिए, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंजिन। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है इसको मैंने एंजिन के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम लोग कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते हैं वर्किंग इन अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल मतलब ये कि यहाँ से आपने शुरू किया था, दूसरी स्टेट में ले गए हम सब्सटेंस को, फिर यहाँ पे और स्टेट चेंज हुई, फिर चेंज हुई और फिर वो इनिशियल स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे ये इसकी कंप्लीट साइकिल हो गई। अब इस कंप्लीट साइकिल के दौरान ये क्या करता है, अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स। देखिए, ये सोर्स है, हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ से इस इंजन ने हीट अब्सॉर्ब करी कितनी, Q1, एंड कन्वर्ट इट कम्प्लीटली इंटू W। और इस इंजन ने ये हीट अब्सॉर्ब करके क्या कर दिया, वर्क कर दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी क्या होती है, चलती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये सोर्स से हीट Q1 ले रहा है और W वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज इन वर्किंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। और ये वर्किंग सब्सटेंस में चेंज का एक और दूसरे रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि ये जो इंजन है ये हीट Q1 अब्सॉर्ब करेगा और कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देगा W में। और यहाँ पे जो ये सिंक होता है जो कि लो टेम्परेचर होता है ना, सिंक जिसको हम लोग लेते हैं T2 केल्विन पे, और ये T2 केल्विन पर जो सिंक को हीट देता है वो कितनी होती है, जीरो। जीरो मतलब कि कोई भी हीट इम्पार्ट नहीं करता है विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू सिंक। ठीक है, मतलब कि उसने क्या किया है, Q1 हीट अब्सॉर्ब करी है और W जो है उस पूरी हीट को किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्क में कर दिया। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100%। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जो सोर्स से Q1 हीट अब्सॉर्ब करे, उससे W वर्क परफॉर्म करे और सिंक को हीट Q2 कितनी दे, जीरो दे, मतलब दे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी मशीन का हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, तो ये कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मतलब खुद ब खुद ही काम कर रही है, वर्किंग इन अ कंप्लीट साइकिल। ये साइकिल में समझा चुका हूँ, चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें या रिवर्स डायरेक्शन में चलें, कंप्लीट साइकिल कहलाएगी। विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे हमने सोर्स लिया, सोर्स का टेम्परेचर T1K जो कि हाई होता है, यहाँ पे सिंक लिया जिसका टेम्परेचर होता है T2K जो कि होता है लो टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हम एक मशीन ले रहे हैं, इंजन ले रहे हैं, ये यहाँ से हीट अब्सॉर्ब कर रहा है कितने, Q2, लो टेम्परेचर से हीट अब्सॉर्ब करी है ना। एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के फ्लो होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेल्फ एक्टिंग मशीन है जो कि सिंक से हीट ले रही है, सिंक जो है वो लो टेम्परेचर पे है और हाई टेम्परेचर पे ये क्या कर रही है, इसको रिजेक्ट कर रही है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट कर रही है लेकिन विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन इस पे कोई भी यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, मतलब वर्क कितना है, जीरो। तो ये भी इम्पॉसिबल है, हमारे जो प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे एक फ्रिज होता है, इस फ्रिज में अगर हम लोग पावर सप्लाई नहीं दें, आपने देखा होगा पीछे एक कंप्रेसर लगा हुआ रहता है जिसमें गैस भरी हुई रहती है, और अगर ये हम इसको पावर सप्लाई नहीं दें तो यहाँ पे पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा। पानी मतलब हाई टेम्परेचर और बर्फ मतलब लो टेम्परेचर। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, हाई टेम्परेचर से, सॉरी लो टेम्परेचर मतलब ये जो कंप्रेसर गर्म होगा, सॉरी वर्क करेगा, तो ये फ्रिज को क्या करेगा, कूल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही क्या होता है कि हम हाइट लो टेम्परेचर से हीट लेते हैं और किसको रिजेक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर को, जो भी यहाँ पे गर्म चीज़ हमने रखी है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो विदाउट पावर सप्लाई ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी विदाउट एक्सटर्नल वर्क पॉसिबल नहीं है कि कोई इंजन सिंक से हीट ले और विदाउट एक्सटर्नल वर्क सोर्स को रिजेक्ट कर दे। तो ये था मेरा समझाने का तरीका, अगर आपको समझ में आया हो तो बेझिझक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सजेशंस आ रहे हैं स्क्रीन पे आपकी, वो वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।